खुदा की कसम मैं तो आपको वसीयत हूँ कि मेरे जनाजे को हरगिज ऐसा शख्स भी कंधा ना दे जो अमीर मुआविया रदी अल्लाह उन्हों से चिढ़ता हो। मुझे मुझे मदीने के कुत्ते खा जाएं ऐसे कंधे नहीं चाहिए जो गुस्ताखे रसूलों गुस्ताखे सहाबा अहले बैत हो। अपना सवाल ही नहीं, अपना बाप भी हो तो अपने किसी काम का नहीं है। अमीर मुआविया रदी अल्लाह उन्हों सहाबी वो जन्नती सहाबी है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत की बिशारत दी, हदीस मौजूद। अब ऐसे सहाबी वो हजरत मौला अली का मर्तबा जो है अमीर मुआविया से बहुत ज्यादा बड़ा है, करोड़ों गुना कहूं तो भी कम एक बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमीर मुआविया सहाबी नहीं है, है तो सहाबी और इनका भी अपना एक मकाम है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की मजलूमियत इस हवाले से कि लोग बुरा भला कहते हैं, इस हवाले से मैं आज से नहीं, मैं दावत इस्लामी के बहुत पहले से इस मामले में जज्बाती हूं। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से मुझे बहुत बड़ा पुराना प्यार है, बहुत पुराना प्यार है। अल्लाह इनके सदके मेरी आइंदा नस्लों को भी बख्शे और मेरी नस्लों में कोई भी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख पैदा ना हो। अल मरओ मन अहबा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका आशिक उसी के साथ होगा। किसी ऐसे गुस्ताख सहाबा के साथ क़यामत में उठे तो होगा क्या, मिलेगा क्या? अपने भले आशिकान रसूल भले आशिकान सहाबा अहले बैत भले, जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी, जन्नती जन्नती चार यारा ने नबी, जन्नती जन्नती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत इस्लामी के अमीर इलियास कादरी साहब ने अपनी वसीयत फरमा दी है। अपने एक वीडियो बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं वसीयत करता हूँ कि जिस बंदे के दिल के अंदर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का बुगद और नफरत है, वो बंदा मेरे मर जाने के बाद मेरे जनाजे की चारपाई को कंधा भी ना दे। और फिर उसके बाद उन्होंने दीगर सहाबा किराम का भी नाम लिया और अहले बैत अतहार का भी नाम लिया कि जिस आदमी के दिल के अंदर भी इन पाक हस्तियों का बुगद और नफरत हो, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और फरमाया कि ऐसे लोग मेरे जनाजे की चारपाई को कंधा ना दें। बहुत ही खुशाइन कदम है, बड़ी अच्छी सोच है उनकी। मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह की वसीयत जो है वो तमाम मजहबी जमातों के जो लीडरान हैं, जो अमीर हैं, उनको इस तरह की वसीयत कर देनी चाहिए। जाहिर बात है कि जिस आदमी के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का, यारों का, दोस्तों का या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का अदब और एहतराम नहीं है, हमारा वो बंदा क्या लगता है, हमने उसको क्या करना है? बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इलियास कादरी साहब ने पूरी वसीयत नहीं की है, अधूरी की है। उनको ये भी साथ ऐड करना चाहिए था कि ऐसा जो बंदा है वो मेरे जनाजे के अंदर भी शिरकत ना करे और ऐसा जो बंदा है वो मेरे मरने के ऊपर अफसोस भी ना करे। ये दो जुमले उनको ऐड करने चाहिए थे, तब जाकर ये वसीयत मुकम्मल होती है। बहरहाल जो उन्होंने वसीयत की है बड़ी अच्छी की है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, आपके अहले बैत अतहार, आपके सहाबा इकराम और उनके बाद जितने भी औलिया अल्लाह हैं, सबकी मोहब्बत और अजमत हमारे दिलों में पैदा फरमाए।